नाउ नेक्स्ट वन इस केस में जस्ट टेस्ट करेंगे बिहेवियर ऑफ स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन। जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में जस्ट प्रोवाइड किया था लॉजिक फॉर स्ट्रिंग कॉपी ऑपरेशन, सेम लॉजिक टेस्ट करना है रिगार्डिंग गिवन इनपुट वैल्यूज। मीन्स इस केस में मेन फंक्शन के अंदर टोटल टू स्ट्रिंग्स क्रिएट किए, स्ट्रिंग ए और बी। ए के केस में साइज क्या है, मैक्सिमम साइज ऑफ ए इज 15 एंड बी के केस में क्या है, डायनेमिक साइज बेस्ड ऑन गिवन स्ट्रिंग्स। जस्ट इसका बिहेवियर टेस्ट करना है। मीन फाइनली इस लॉजिक्स के थ्रू मुझे परफॉर्म क्या कराना है, इस प्रीवियस केस में मैंने जो भी कंटेंट्स या इनपुट्स प्रोवाइड किए थे उस केस में टारगेट स्ट्रिंग के कंटेंट्स कंप्लीटली कॉपी किए थे फ्रॉम बिगिनिंग ऑनवर्ड्स ऑफ द सोर्स स्ट्रिंग्स। देन इस केस में कई बार क्या रहता है, आप लोग क्या करते हो, इसे अगर फर्स्ट स्ट्रिंग के सारे कंटेंट्स कॉपी न करके मुझे कोई पर्टिकुलर पार्ट कॉपी कराना, ओनली राज लाइक दैट, सेम एज फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर कॉपी ऑपरेशन बिगिनिंग से स्टार्ट न करके मुझे किसी पर्टिकुलर अदर प्लेस से परफॉर्म कराना, देन इस केस में इस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हो बाई यूजिंग स्ट्रिंग एडिशन ऑपरेशन। टेस्ट करेंगे इस केस में फर्स्ट वन, जैसे ही मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करें देन मेन के रिस्पेक्ट में टू लोकल वेरिएबल्स क्रिएट हुए हैं जैसे स्ट्रिंग ए एंड बी। तो सबसे पहले परफॉर्म क्या कराएंगे, मेमोरी एलोकेशन फॉर ए एंड मेमोरी एलोकेशन फॉर बी। व्हाट इज द साइज ऑफ स्ट्रिंग ए, ए के केस में ऑलरेडी साइज गिवन है एग्जैक्टली 15, तो ए के रिस्पेक्ट में कितने बाइट्स का ब्लॉक क्रिएट करेंगे, जस्ट 15 बाइट्स। नेक्स्ट वन इसके समय एड्रेस एज्यूम कर रहा हूँ एज 100, 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 and 14। क्लियर। देन फर्स्ट स्ट्रिंग ए के रिस्पेक्ट बात करें तो ए में कंटेंट्स क्या आसान हुए इनिशियली, हेलो डियर। देन इसके समय आसान क्या हो जाएगा, एच ई, इसे सब कुछ कैरेक्टर्स के फॉर्म में एल एल ओ देन कॉमा, क्या इस केस में राइट क्या किया, कॉमा, कॉमा के बाद क्या जस्ट स्पेस देन डियर डी ई ए आर। ये सारे के सारे कंटेंट्स स्टोर किस फॉर्मेट में, इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स। देन रिमेनिंग प्लेसेस पर डिफॉल्ट वैल्यू सान हुआ है जा नल रिमेनिंग ऑल टाइम्स, दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू इन केस ऑफ पार्शियल इनिशियलाइजेशंस। नेक्स्ट फर्स्ट प्लेस का जस्ट नेम क्या है लॉजिकली, ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर एंड सोन। सेम है सेकेंड स्ट्रिंग बी, बी के केस में बात करें तो बी का साइज क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्लस एक्स्ट्रा एक कैरेक्टर क्या रहेगा नल, तो टोटल साइज क्या रहेगा सेकेंड स्ट्रिंग बी के रिस्पेक्ट में जस्ट 8 बाइट्स, तो बी के लिए 8 बाइट्स का ब्लॉक क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट वन एड्रेस एज 200, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्लियर। देन बी के केस में कंटेंट्स क्या कॉपी हुआ, मिस्टर राज सम नेम ऑफ द पर्सन एम आर डॉट देन स्पेस देन आर ए जे क्लियर, इस द इनिशियल केस। देन इस केस में जस्ट प्रिंट एफ के अंदर कॉल क्या हो रहा है, कॉपी फंक्शन, जब कॉपी फंक्शन कॉल हुआ चेक करो इस केस में कॉपी फंक्शन के अंदर जस्ट एड्रेस क्या पास हो रहा है, ए प्लस 7, तो ए के प्लेस पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, ए का बेस एड्रेस, और बेस एड्रेस क्या है इसका 100, इसे इट विल बिकम्स एग्जैक्टली 100 प्लस 7 क्लियर। नेक्स्ट वन सेकेंड स्ट्रिंग में पास क्या हो रहा है, बी प्लस 4, बी के प्लेस पर रिप्लेस करें बी का बेस एड्रेस 200 प्लस 4, तो फाइनली इस प्लेस में एड्रेस क्या पास हो रहा है 107, 204। तो इस केस में याद रखना, इस केस में स्ट्रिंग बी के कंटेंट्स कंप्लीटली कॉपी हो रहे हैं क्या, नहीं, दूसरा केस स्ट्रिंग ए के अंदर डेटा बिगिनिंग प्लेस से कॉपी होना स्टार्ट हुआ है गिवन एड्रेस ऑन वर्ड्स, मीन्स स्ट्रिंग बी के अंदर डेटा किस प्लेस रीड होगा, फ्रॉम 204 मीन्स फ्रॉम दैट प्लेस, प्लस फर्स्ट कैरेक्टर रीड क्या हुआ इस केस में आर, प्लस आर कॉपी किस एड्रेस में होगा फर्स्ट टाइम 107 मीन्स डी, मीन्स डी किससे रिप्लेस हो जाएगा आर से, नेक्स्ट टाइम ए किस प्लेस पर कॉपी होगा ई के प्लेस पर, देन जे किसके प्लेस पर कॉपी होगा आर के प्लेस पर, देन नेक्स्ट वन क्या साइन होगा नल, इस प्लेस पर नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है नल।
नेक्स्ट वन, इस केस में फाइनली जब कॉल क्या हो रहा है, कॉपी फंक्शन, तो कॉपी फंक्शन के अंदर टू पॉइंटर वेरिएबल्स क्रिएट हो रहे हैं, पॉइंटर एस वन एस टू। एस वन क्या इस केस में पॉइंटर वेरिएबल, एस टू भी क्या इस केस में पॉइंटर वेरिएबल। तो एस वन और एस टू इस केस में किस लोकेशन को रेफर कर रहे हैं, एस वन के केस में आसान क्या हो जाएगा, 107। तो इस केस में एक लोकेशन क्रिएट होगा एस वन ऑफ जीरो, चेक करते हैं एस वन ऑफ जीरो किस लोकेशन का नेम होगा, इसको जस्ट पॉइंटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, स्टार एस वन प्लस जीरो। जस्ट इसका रिप्लेसमेंट क्या है, एस वन के प्लेस पर क्या जाएगा, एस वन का वैल्यू 107 प्लस जीरो क्या है, इसके मान ली स्टार 107। तो एस वन ऑफ जीरो उस लोकेशन का नेम होगा जिसका एड्रेस, सॉरी जिसका नेम स्टार 107 हो। स्टार 107 किसका नेम होगा, जिस लोकेशन का एड्रेस 107 है। तो इस प्लेस का नेम क्या क्रिएट होगा, जाएगा एस वन ऑफ जीरो। नेक्स्ट प्लेस का नेम क्या होगा, एस वन ऑफ वन। इस प्लेस का नेम क्या होगा, एस वन ऑफ टू। सिमिलरली एस वन ऑफ थ्री एंड सो ऑन। सेम है, चेक करना है एस टू के केस में कॉपी क्या हो रहा है, 204। तो एस टू किस लोकेशन से पॉइंट करना स्टार्ट करेगा स्ट्रिंग बी को, फ्रॉम 204 ऑनवर्ड्स, मीन्स दैट प्लेस। इस प्लेस का नेम क्या हो जाएगा, इस पे ऑलरेडी इसका नेम क्या है, स्टार 204 स्टार 205 स्टार 206 एंड सो ऑन। देन चेक करें अगेन व्हाट इज द प्लेस ऑफ एस टू ऑफ जीरो, एस टू ऑफ जीरो के साथ अगेन इसको रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंटर्स के फॉर्म में, इस इक्विवेलेंट केस क्या रहेगा, स्टार एस टू प्लस जीरो, और एस टू में करेंटली क्या है 204, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, स्टार 204। इसे एस टू ऑफ जीरो किस लोकेशन का नाम है, स्टार 204। इस लोकेशन का नेम क्या हो जाएगा, एस टू ऑफ जीरो। नेक्स्ट प्लेस का नेम क्या हुआ, एस टू ऑफ वन, एस टू ऑफ टू, सिमिलरली एस टू ऑफ थ्री एंड सो ऑन। क्लियर। नेक्स्ट इसके जस्ट पर लूप को, सॉरी कंट्रोल करना जाएगा इनसाइड बॉडी ऑफ कॉपी फंक्शन। कॉपी फंक्शन के अंदर एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल क्रिएट होगा, वेरिएबल आई। मीन्स कॉपी के अंदर कितने वैल्यूज क्रिएट हो रहे हैं, एस वन एस टू एंड आई। लूप के केस में इनिशियलाइजेशन परफॉर्म हुआ, इनिशियलाइजेशन के अकॉर्डिंग आई में क्या आसान हो जाएगा, जस्ट जीरो। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद पहले कंडीशन टेस्ट होगा, पहले असाइनमेंट एक्सप्रेशन सॉल्व होगा। सबसे पहले असाइनमेंट एक्सप्रेशन सॉल्व होता है, असाइनमेंट एक्सप्रेशन के अंदर जस्ट आई के प्लेस पर आई का वैल्यू रिप्लेस करा, वो आई का करंट वैल्यू क्या है, जीरो। तो एस वन ऑफ जीरो में असाइन क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ एस टू ऑफ जीरो। करंटली एस टू ऑफ जीरो के केस में आई के प्लेस पर क्या रहा है, जस्ट जीरो। एस टू ऑफ जीरो में क्या स्टोर हो रहा है करंटली, आर। कैरेक्टर आर जस्ट इस प्लेस पर रिप्लेस हो जाएगा लाइक दैट, एस वन ऑफ जीरो इक्वल्स टू कैरेक्टर आर। कैरेक्टर आर किस पोजिशन में आसान होगा, एस वन के अंदर जीरो इंडेक्स में, जीरो इंडेक्स किस प्लेस करने में, 107। नाउ डी इज रिप्लेस्ड बाई आर। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद आर असाइन होने के बाद इस प्लेस पर जस्ट रिप्लेस क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ एस वन ऑफ जीरो, और एस वन ऑफ जीरो का करंट वैल्यू क्या है, आर। तो इस कंडीशन के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा, कैरेक्टर आर, और आर का वैल्यू कैसा होगा, जीरो या नॉन जीरो, नॉन जीरो, मीन्स कंडीशन इज ट्रू। आर के रिस्पेक्ट में कंडीशन कैसा रहेगा, ट्रू। नल के अलावा आप कोई भी कैरेक्टर पास करो, सभी कैरेक्टर के लिए कंडीशन क्या रहेगा, ट्रू। केवल नल के केस में कंडीशन क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि नल का आज की वैल्यू क्या है, जस्ट जीरो। नेक्स्ट वन परफॉर्म क्या होगा, बॉडी, बॉडी पार्ट कैसा, एम्प्टी। आप चाहो तो इसको सेमी कॉलन से भी टर्मिनेट कर सकते थे। देन आई प्लस प्लस, नाउ आई बिकम्स वन। अगेन कंडीशन टेस्ट कराएंगे, नेक्स्ट टाइम आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस करोगे, वैल्यू ऑफ आई विच इज वन। एस वन ऑफ वन में क्या आसान होगा, एस टू ऑफ वन का वैल्यू, और एस टू ऑफ वन में क्या ए, देन कॉपी किस प्लेस पर हो जाएगा, एस वन के वन इंडेक्स में, कैरेक्टर एस ए। एस वन ऑफ वन मीन्स एग्जिस्टिंग वैल्यू का, एस वन ऑफ वन का ई। नाउ ई इज रिप्लेस्ड बाई कैपिटल ए। सब कुछ कैरेक्टर्स के फॉर्म में, सिंगल कोट्स के फॉर्म में, क्लियर। नेक्स्ट वन, अगेन इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा, असाइंड वैल्यू, असाइंड वैल्यू क्या ए। देन नेक्स्ट टाइम कंडीशन किसके रिस्पेक्ट में चेक करेंगे, कैरेक्टर ए, ए का आज की वैल्यू क्या है, 65, मीन्स अगेन नॉन जीरो, कंडीशन इज ट्रू, ट्रू है। देन बॉडी, बॉडी को छोड़ दो, देन आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस हो तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, टू। नेक्स्ट टाइम अगेन कंडीशन टेस्टिंग, तो कंडीशन टेस्टिंग में आई के प्लेस पर, इस आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा, करंट वैल्यू ऑफ आई टू। देन एस टू ऑफ टू का वैल्यू क्या है करंटली, जे। कॉपी किस में हो जाएगा, एस वन ऑफ टू, एस वन ऑफ टू में करंटली क्या स्टोर, एस वन ऑफ टू मीन्स दैट ए, मीन्स ए के प्लेस पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, जस्ट जे।
देन इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ, एस वन ऑफ टू का वैल्यू, इस प्लेस पर कॉपी क्या हुआ, जे, जे को रिप्लेस करा, जे के रिस्पेक्ट में कंडीशन कैसा हुआ, अगेन ट्रू, अगेन ट्रू, देन आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, थ्री। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम जस्ट कंडीशन टेस्टिंग के अकॉर्डिंग आई के ऑकरेंसेस को आई के करंट वैल्यू से रिप्लेस कराओ, थ्री थ्री, तो एस टू ऑफ थ्री में करेंटली क्या स्टोर है, एस टू ऑफ थ्री का करंट वैल्यू क्या है, नल। तो फाइनली इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा, कैरेक्टर एस नल, तो नहीं नल के स्पेस पर कॉपी होगा एस वन के अंदर थर्ड इंडेक्स में, एस वन के थर्ड इंडेक्स में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर क्या है, आर, नाउ आर इज रिप्लेस्ड बाई नल। देन इस प्लेस पर नेक्स्ट टाइम अभी कॉपी क्या हुआ नल, तो रिप्लेस भी क्या हुआ कंडीशन के प्लेस पर, एस वन ऑफ थ्री का वैल्यू विच इज नल, और नल के इसके इक्वलेंट है जीरो, नल का आज की वैल्यू क्या है जीरो, मीन्स नल के रिस्पेक्ट में कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स, जैसे कंडीशन फॉल्स होगा कंट्रोल का है आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, रिटर्न क्या हुआ एस वन, और एस वन में करंटली क्या स्टोर है 107, तो कॉलिंग प्लेस पर रिप्लेस भी क्या करा हुए ऑल्सो 107, मीन्स इस कॉल जहाँ भी आपने फंक्शन को कॉल कराया था फंक्शन के अंदर रिप्लेस क्या हुआ जस्ट 107। देन इस केस में प्रिंट एफ फंक्शन डेटा किस प्लेस से डिस्प्ले करना स्टार्ट करेगा, फ्रॉम 107 ऑनवर्ड, चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या प्रिंट हो रहा है जस्ट 107 ऑनवर्ड्स, तो 107 में क्या स्टोर है जस्ट राज, डिस्प्ले क्या हो जाएगा आर ए जे, क्लियर। मीन्स इस केस में फंक्शन रिटर्न क्या करेगा जस्ट एड्रेस ऑफ कॉपीड प्लेस, मीन जस्ट जिस प्लेस पर कंटेंट्स कॉपी हुए हैं या जिस प्लेस का आपने एड्रेस पास किया था सेम एड्रेस हुआ है, सेम एड्रेस हुआ है, बेस एड्रेस सेम एड्रेस, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप डिस्प्ले क्या करा रहे हैं पुट्स फंक्शन के थ्रू ए, ए के केस में बात करें तो ए के केस में क्या पास हुआ 100, तो इस केस में डेटा किस प्लेस रीड होगा फ्रॉम 100 ऑनवर्ड्स, और 100 ऑनवर्ड्स प्रिंट क्या हो जाएगा जस्ट मैसेज एज हेलो कॉमा स्पेस राज, राज के बाद क्या क्या मिलेगा इसको नल, देन रीड करना स्टॉप कर दे, दिस इज द आउट ऑफ गिवन ऑपरेशंस।